कृषि पद्धति किसे कहते हैं? फसल उगाने के लिए, जितने भी प्रकार के फसल होते हैं, फसल को उगाने के लिए किसानों द्वारा, क्योंकि आप सभी को पता है कि खेती करने का काम कौन करता है, किसान ही करते हैं। तो फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा किए गए विभिन्न कामों को सामूहिक रूप से फसल पद्धति कहते हैं। एक खेती करने वाले किसान को अपने खेत को तैयार करने के लिए कई प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है, कई प्रकार के काम करते हैं। मिट्टी को तोड़ना, मिट्टी को जोतना, उसमें पानी पटाना, बीज लगाना, उसका खर पतवार हटाना, खाद कल्ली डालना, फिर कटाई करना, भंडारण करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कृषि पद्धति कहलाता है। फसल में पद्धतियों में शामिल होने वाले जितने भी काम है ना, जैसे कि मिट्टी तैयार करना हो गया, बुआई करना हो गया, खाद वगैरह डालना हो गया, उर्वरक डालना, उर्वरक मतलब होता है कि गोबर वगैरह से जो मिट्टी बनता है उसे हम कहते हैं, सिंचाई करना हो गया, खरपतवार से सुरक्षा हो गया, कटाई हो गया, और भंडारण करना, मतलब जब अनाज कट के बिल्कुल तैयार हो जाता है तो उसको हम स्टोर भी तो करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धति के नाम से जानते हैं।